हेलो, यप यहाँ देखें जी। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। आज मैं व्लॉग स्टार्ट किया है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस पर व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने कहा मैं आपसे कहती हूँ कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। चलो चलो, किधर चलें? मस्जिद चलते हैं। कहाँ? सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? चलो कुछ चीज़ें लेके आते हैं। कौन सी चीज़ें? अच्छा, आज के व्लॉग में मैं इंट्रो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ये बिल्कुल सरप्राइज़ के तौर पे स्टार्ट हुआ, आपने देखा ही है। तो इसके बाद बस हम लोग आए और केक लिया। रात के कोई 12 बज रहे थे और मुझे नहीं पता था उस्मान ने ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया हुआ है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि ये क्या, एक दिन पहले हम केक ले रहे हैं। और इसके बाद उस्मान ने पेट्रोल रीफिल कराया एंड दैट्स इट। अच्छा जी, तो मेरे पास पैकिंग करने का टाइम बहुत कम है। अभी हम वापस आए हैं, मुझे उस्मान ने सूटकेस ला के दिया है और अब मैं, आप देख सकते हैं कि 1:45 हो रहे हैं रात के और अब मैं पैकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा, तो आप फटाफट चीज़ें रख लेते हैं मेकअप की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं 1 घंटा 2 घंटा नैप भी कर लूँ क्योंकि हमें सुबह 5:00 निकलना है। तो सबसे पहले हम मेकअप की चीज़ें रख लेते हैं। सबसे पहले मैंने रख लिया है इसमें कॉटन बड्स क्योंकि वो आपको ज़रूरत पड़ते हैं मेकअप में। उसके बाद मैंने रखा है ऑर्गेनिक ट्रावलर का ग्लो SPF। उसके बाद मैं रख रही हूँ अपनी फाउंडेशन कीको मिलानो की। दूसरी फाउंडेशन रख रही हूँ, आई डिसाइड वहाँ के वेदर के हिसाब से कि मैंने कौन सी फाउंडेशन यूज़ करनी है। ये भी कीको मिलानो की है। अब मैं रख रही हूँ अपनी आईब्रो जेल, ये भी कीको मिलाने की, और इसका ये वाला ब्रश। उसके बाद मैं रखूँगी ये ब्लश ऑन विद अ ब्लश ऑन का ब्रश। इसके बाद मैं रख रही हूँ ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैक का है मेरे पास कंसीलर। मैं रख रही हूँ 2 लिप शेड्स, एक पिंक और एक रेड। ये भी मैं वहाँ के हिसाब से डिसाइड करूँगी कि मैंने कौन सा लगाना है। मैं रख रही हूँ आफ्टर शावर बॉडी मिस्ट जो कि ये बहुत अच्छी है। ये है चार्मिंग मैग्नोलिया की। एक रख रही हूँ आईलाइनर जो कि मेरा फेवरेट है, कोहल अरबी का, ये मैंने सऊदी अरेबिया से लिया था। अच्छा, लास्ट में मैं रख रही हूँ ये एक परफ्यूम, इसका नाम है, मैं आपको बताती हूँ, डेविड ऑफ का कूल वाटर। ये काफ़ी फेमस परफ्यूम है और अब ये बिल्कुल मेरा एंड पे है, तो मैंने कहा चलो अगर टूट भी गया रास्ते में तो इट्स ओके। बाकी ये मैं नहीं लेके जा रही हूँ साथ, पड़े पे है पर नहीं लेके जा रही। और आप देख सकते हैं मैंने अभी ये पावर बैंक भी चार्जिंग पे लगाया है। ये भी रख लेते हैं, बाल सेट करने के लिए काम आएगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि मैं क्या पैक करती हूँ। अच्छा गाइस, ये चीज़ें तो मैंने रखी हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी क्यूनी का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे क्योंकि वो जब बाल ब्लो ड्राई करो तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और एक ये रख रही हूँ गार्नियर का क्लिनजिंग वाटर मेकअप रिमूव करने के लिए। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि जूजू में क्या रखूँ। एंड आई थिंक इट्स नॉट सेफ टू कीप गोल्ड एंड एवरीथिंग, तो मैं बस कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग अपने ड्रेस के साथ कोई भी मैच करके पहन लूँगी एंड उसी से काम चलाऊँगी। आई वॉन्ट बी वेयरिंग फिंगर रिंग्स और यू नो, नहीं। अच्छा, अब ना गाइस मुझे ये भी नहीं पता कि हम जा कहाँ पे हैं। वहाँ ठंड है, नॉर्दर्न साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ ठंड है, तो मुझे जैकेट्स अभी निकालनी पड़ेंगी और रात के 2 बज रहे हैं। और अगर हम कहीं लाहौर वगैरह जा रहे हैं तो जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, पर ये सरप्राइज़ है, आई डोंट नो कि क्या सीन बनता है। बहरहाल मैं एक जैकेट रख लेती हूँ अपनी भी और उस्मान की भी। अच्छा, तो अभी हम निकल चुके हैं और मैं आपको सारे रास्ते की सिचुएशन और हमारा कितना एक्सपेंसेस पे लगता है, हमने वहाँ पर स्टे करना है एक दिन, और मैं आपको सब बताऊँगी साथ साथ बीच में जो जो स्पॉट्स आएंगे उनके बारे में भी बताऊँगी। अभी टाइम हो रहा है 6:28 और जहाँ पे हमने जाना है वो डेस्टिनेशन है 3 hours and 59 minutes अवे, 58 minutes। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने तो सुना है हज़ारा मोटरवे बहुत खूबसूरत है, तो अब हम चल के देखते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, तो हम लोग टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं। यहाँ के टूल प्लाज़ा से पता चल रहा है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ये नॉर्दर्न एरियाज़ की पूरी मैं सीरीज़ बनाऊंगी। डू नॉट मिस एनी पार्ट, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मेरा नया व्लॉग आए तो आपको फ़ौरन से पता चल जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।